ये सब सही रहेगा ना, बहुत गर्म हो गया है। हम बोलते हैं फिर रख लेते हैं, कल भी ऐसा हो गया तो मैं कहा नहीं कल पक्का। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दिन की शुरुआत हो गई है, मैंने चाय रस खा लिया है एंड मम्मी आज बनाने जा रही है लंच में और ब्रेकफास्ट के लिए, दोनों के लिए बना रही है अमृतसरी छोले। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ हम वो रेसिपी शेयर करते हैं। एंड आज मम्मी एंड सीमा मासी जा रहे हैं नानी के घर पे, बिकॉज मामा एक दो दिन में डिस्चार्ज आएंगे, स्कूल ही जाएंगे। तो डेढ़ महीने से घर बंद पड़ा हुआ है तो उसकी थोड़ी साफ सफाई करनी है, तो मम्मी आज वहां जा रही है। आज के व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं। फाइनली आज धूप निकली है, अब इस बहाने कपड़े भी सूख जाएंगे, थोड़े सूख ही नहीं रहे थे, थोड़े बहुत गीले रह गए थे, तो मैंने सोचा इनको थोड़ी धूप लगा देती हूँ एंड पौधों को भी धूप मिल जाएगी। धूप उनके लिए जरूरी होती है, तो हर दिन बारिश भी सही नहीं रहती है। यहाँ मैं एक गिलास पानी में एक चम्मच चाय पत्ती मैंने डाली है और इसे अच्छे से उबाल रही हूँ। चाय का पानी अच्छे से उबल गया है, अब हम इसे छोले में मिक्स करेंगे उबलते समय। मैं रात को छोले भिगोना भूल गई थी तो मैंने इसे सुबह गर्म पानी में अच्छे से भिगो दिए हैं, तो ये अच्छे से उबल जाएंगे। इसे उसमें डाल लेना। हाँ, पानी के साथ ही। हाँ, ये पानी धो के डाला तो साफ है। और अब हम इसमें चाय वाला पानी डालेंगे, छान के डालेंगे। हाँ, नहीं तो चाय पत्ती आ जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक उबलते हुए, और इसमें यहाँ मैंने लिए हैं दो तेज पत्ते खड़े मसालों में, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची। इन सबको भी हम उबलते हुए डाल देंगे, इनका तो फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। हाँ, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हाँ, अब इसे ढक्कन लगा के छोले उबल रहे हैं, तब तक मैं करती हूँ तड़के की तैयारी। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्याज जिसको मैंने रफली चॉप कर दिया है, और मैंने यहाँ लिए हैं पांच टमाटर और उसको भी मैंने रफली चॉप कर दिया है, और यहाँ मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इन्हें हम ग्राइंडर में पेस्ट बनाएंगे। यहाँ टमाटर और प्याज हो गए हैं ग्राइंड, अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। कढ़ाई में मैंने पहले ही कुकिंग ऑयल गर्म कर दिया था, अब हम इसमें डालते हैं एक चम्मच जीरा। जीरा रोस्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं प्याज। हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालते हैं टमाटर का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच मैंने डाला है चना मसाला, और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है कसूरी मेथी, इसको हाथ से क्रश करके आप ऐसे डाल दो इसमें। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और छोले भी इससे बहुत टेस्टी बनती हैं, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। छोले अच्छे से उबल गए हैं, ये देखिए बिल्कुल सही से उबल गए हैं, और मैंने छोले अलग निकाल लिए हैं, पानी मैंने कर लिया है सेपरेट। वो इसलिए किया है कि इसको भी मसाले के साथ अच्छे से हम भूनेंगे ताकि इसका फ्लेवर और निकल कर आए, इसमें फ्लेवर आ जाए ना सारा मसाला। हाँ, सारा आ जाए, तड़का भी बन गया और ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें ये डालोगे? हाँ, ऑयल हो गया सेपरेट। अब हम इसमें डालेंगे ये उबले हुए चने छोले। चने तो काले वाले कहते हैं? नहीं, अच्छे भी कहते हैं, चने दोनों ही है, चने तो दोनों ही कहते हैं। और इनको अच्छे से हम भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा भूनेंगे चने उतने टेस्टी बनेंगे, और भूनते समय बीच में हल्का सा छोलों को प्रेस भी करते रहिए, हल्का हल्का।
ज्यादा नहीं। ये क्यों कर रहे हो? ये इससे ना वो जो ग्रेवी होती है ना थोड़ी वो बनती है गाढ़ी, नहीं तो पानी अलग हो जाता है और ग्रेवी अलग हो जाती है और छोले अलग लग देते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। मिक्स हो जाए अच्छे से। हाँ, छोले अच्छे से मिसालों के साथ भून चुके हैं। कई लोग तो बिल्कुल सूखे पसंद करते हैं तो वो ऐसे भी खा सकते हैं, मुझे चाहिए ग्रेवी वाले। तो यहाँ मैंने जो उबला हुआ काला पानी था चाय पत्ती वाला वो मैं इसमें ऐड करूंगी। अभी से बॉईल करना होगा। हाँ, ना 10 मिनट कम से कम बॉईल, ताकि ये अच्छे से वो हो जाए। मम्मी मैं सर्विंग का सोच रही हूँ आज ना, हम वैसे वाली वो सर्विंग करें, वो जैसे प्लेट के बीच में जो कटोरी बाउल डाल के उसमें डालते हैं प्लेट में। हाँ हाँ करते हैं वैसे करते हैं ना। हाँ। फिर चावल पहले रख लेते हैं बाउल में, चावल पहले रख लेते हैं। हाँ हाँ, आप चाहे तो इसके साथ भटूरे खा सकते हैं, चाहे पूड़ी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ चावल बनाए हैं। रोटी भी तो खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, परांठे, जो आपका दिल करे आप वो खा सकते हैं इसके साथ, ये आपके ऊपर है। चावल मैंने पहले बना लिए थे क्योंकि चावल तो सबको ही पता है कैसे बनते हैं। तो मम्मी ये वाला बाउल निकाला, ये सही है ना प्लेट के हिसाब से? इसको पूरा भर दो ना ताकि सेट हो जाए, पहले से ही सेट हो जाए। मैं इसे ना स्पून से दबा, स्पून से दबाती जाती हूँ। डालो वो सीधा फिर ऐसे रखेगी ना इसी शेप में? हाँ इसी शेप में, गरम गरम भी है ना अभी, ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। और मम्मी प्याज भी काट लो थोड़े। हाँ, प्याज रिंग्स वाले काटना, रिंग्स वाले। ठीक है, गिर गए थोड़े से, कोई बात नहीं, हो गए ना। बस बस ज्यादा मत करो बस। हाँ, ठीक है, मैं इसे पूरा कर लेती हूँ अच्छे से। छोले में उबाला आ चुका है, अब हम इसको ढक के 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। सेपरेट पैन में मम्मी ने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब ग्रीन चिली डाल, तीन काटी है, तीन स्लिट किया बस। ओके, तीन मिर्च को, मिर्च फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कितनी सारी मिर्च है? थोड़ी सी डालनी बेटा, मतलब ग्रीन चिली लाल रेड हो जाए ना। इसमें ये वाला डालेंगे। हाँ खोलो, अब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। अब इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। अब हम सर्व कर रहे हैं एंड यहाँ पे, हाँ डालो, यहाँ पे मैंने पहले ही चावल बाउल में डाल के रख दिए है, ये जा ही रहा है अंदर ना, फिर भी थोड़ा बहुत। तरी कम डालो मम्मी, तरी कम ही है पर चावल के साथ है ना। हाँ नहीं, सर्विंग के लिए कम डालो थोड़ी तरी ना। हाँ। इसको चारों तरफ डालना अच्छे से ना, देखते है पहली बार ट्राई कर रहे है ऐसा है ना। हाँ। देखो इधर भी छोले कम है, डाल लू डाल। छोले तो डल गए मम्मी, प्याज की रिंग्स रखनी ऊपर है ना। ऐसे सजाओ। हाँ एक यहाँ पे रखो, यहाँ पे एक, नहीं नहीं थोड़ी इधर करो, ये ज्यादा गैप आ गया है। हाँ ठीक है, 1 2 3 3 और आएगी, तीन है ना अभी, कर नहीं रहे ना, तीन और चाहिए बस। ये देखिए कोई नहीं, आधा कटा हुआ, कोई नहीं। हाँ। एक और चाहिए बस यहाँ के लिए, इसको ऐसे कर दो ना, चिपका दो, एक यहाँ के लिए चाहिए बस। एक और रखो? नहीं नहीं नहीं, तो अब हमारा जो मेन काम है इसमें मम्मी ये भी है प्याज, चल यहाँ रख दे। हाँ, बस अभी ये काम है। आप उठाओगे? मैं उठाऊ? तू उठा ले, आप उठाओ, मेरे हाथ में फोन है, मेरा फिसल रहा हाथ ना। उठाओ उठाओ आराम से उठाना, फिसल, मैं उठाऊ, ये लो फोन पकड़ो फिर। हाँ। बस ये सब सही रहे ना, बहुत गर्म हो गया है तो निकल ही नहीं रहा। आपने तेल लगा दिया, आपने तेल लगा दिया पहले। सो फाइनली एकदम परफेक्टली बाउल सेट हो गया। मम्मी पहले सेट करा सही था है ना, और ऊपर से फ्राई जो मम्मी ने अभी मिर्चे रखी थी वो है, तो दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। बस हम लोग ये खाते हैं। बाय मम्मी, सुन मेरी बात, पापा को खाना दे दियो बुला। ठीक है ठीक है, और बाकी तेरा भी बना दिया मैंने। ठीक है ठीक है, बाकी काम तो कर दिया। हाँ सीमा मासी निकल गए? हाँ सीमा मासी घर से निकल गई है, तो मैं उस वजह से मैंने कहा थोड़ा महीना सवा महीना हो गया, नानी का घर देखा है। हाँ मामा भी डिस्चार्ज होने वाले हैं ना। हाँ, हाँ। ये महीने से तो कोई था ही नहीं घर पर। हाँ मैं बस ये 2 घंटे लगेंगे, देख के आते हैं। मास्क ले लिया ना? हाँ मास्क पर्स में है। ठीक है हाँ चलो, इधर पानी गिरा हुआ मम्मी ध्यान से नीचे। हाँ इधर मैं भी पोछा मार देती हूँ। हाँ चलो, हाँ हाँ बुला ही लूंगी, चलो बाय बाय। जा रहे काकू? हाँ कब आएगा? कल दोपहर तक। कल दोपहर को? हाँ। रिजॉर्ट जा रहा है गुड़गांव? हाँ।
आगे तेरा दोस्त? हाँ नीचे खड़ा। चल बाय। मम्मी तो है नहीं अभी, मम्मी भी नहीं आई अभी ना। आ गया। आज भी शाम हो गई एंड ये जेसीबी की मशीन आ रखी है। सुबह से अभी तक बस ये लेंटर तोड़ी जा रही है और कल तो फिर भी जल्दी चले गए थे, बट अभी तक शाम हो गई है, अभी तक नहीं गई। आ गए? हाँ आ गए। और बस मैं क्या कहते हैं नानी घर से ना, हाँ मासी कहने लग गई चल हॉस्पिटल चलते हैं। तुम सीमा मासी ने तो जाना ही था, आज मासी की ड्यूटी थी। उसने कहा चल तुम भी मिल ले जाके। हाँ मिले भी नहीं हो ना मामा से। मगर अब क्या हाल है, कब डिस्चार्ज कर रहे हैं? मामा का ठीक है, लेकिन पता क्या है उसका टेस्ट हुआ था रात को। तो वो टेस्ट की रिपोर्ट आज संडे है, उसकी वजह से नहीं आ सकी। तो सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन मासी की स्कैन हुआ है। अच्छा। तो उसका कल आएगी। ठीक है, तो फिर डिस्चार्ज का कब बताएंगे? वो कह रहे हैं हमारी तरफ से अब सही है, रिपोर्ट पर पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन कम हुआ है नहीं हुआ, जो ब्लड में इन्फेक्शन हुआ। ब्लड में इन्फेक्शन था। हाँ, अगर वो ठीक हो जाएगा तो कल डिस्चार्ज कर देंगे। देखो मैं कल वही जाए डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। हाँ कह रहा बस हो जाएगा ना कल मेरा मेकअप। हाँ जब मैं गई थी थर्सडे को बहुत खुश था कि मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। नहीं नहीं वो आज परेशान हो रहा था, कह रहा बस हर वक्त बोलते हैं फिर रख लेते हैं मुझे, हर वक्त बोलते हैं फिर रख लेते हैं, कल भी ऐसा हो गया। तो मैं कह नहीं कल पक्का हो जाएगा। आज काकू घर पर नहीं है तो इसलिए मम्मी ने बनाई है मूंगी मसर की दाल। उसे दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो मम्मी ने साथ में बनाया चावल और ये जो पापा न्यू अचार लाए थे नींबू का। तो ये है आज का मेरा डिनर। डिनर हो गया है, मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, बस अब अंदर जाके लेटती हूँ। काकू भी आज घर पर नहीं है, मैंने जैसे दिखाया कि वो आज अपने फ्रेंड्स के साथ गया हुआ है। एंड ये देखिए मुझे आज ये पिंपल आ गया, फोरहेड पे आ गया, बिल्कुल मिड में ऐसे लग रहा है, बिंदी लगा रखी है, पता नहीं कहाँ वहाँ से ये अजीब सा पिंपल उठ के आ गया। बट जो कि अपने आप चला जाएगा, जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा। सो आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स कीजिए जैसे आप हमेशा करते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।